सीबीआई चंद्रचूड़ ने कसी चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई के नकेल। सीबीआई ने किया एसबीआई पर अवमानना का केस दर्ज। राहुल गांधी ने भी साधा मोदी सरकार पर निशाना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हमेशा अपने बयानों और फैसलों के लिए चर्चा में रहते हैं। बीजेपी सरकार के चंदे से जुड़ी जानकारी छिपाने पर सीजीआई चंद्रचूड़ भड़क गए, जिस वजह से सीजीआई ने एसबीआई के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को मुहैया करानी थी, लेकिन एसबीआई द्वारा ये जानकारी नहीं कराई गई। इस वजह से एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है कि एसबीआई का ये कदम चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का ये अंतिम प्रयास है। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या आप सीजीआई चंद्रचूड़ को शानदार जज मानते हैं? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या है पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण की अवमानना कार्रवाई शुरू करने संबंधी दलीलों पर संज्ञान लिया। भूषण ने कहा कि एसबीआई की याचिका 11 मार्च को सुनवाई के लिए लिस्ट होने की संभावना है और अवमानना याचिका पर भी साथ में सुनवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर कहा कि कृपया एक ईमेल भेज दीजिए, मैं आदेश जारी करूंगा। एसबीआई ने 4 मार्च को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि चुनावी बॉन्ड का ब्यूरो देने के लिए समय 30 जून तक बढ़ाया जाए। क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश? बता दें कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक और आरटीआई का उल्लंघन करार देते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने एसबीआई को अप्रैल 2019 से अब तक मिले चंदे की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 13 मार्च तक ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा था। क्या कहना है राहुल गांधी का? राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहते कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए? राहुल गांधी ने आगे कहा कि एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का यह अंतिम प्रयास है। क्या तर्क है एसबीआई का? लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई ने अपने आवेदन में कोर्ट से कहा कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक विभिन्न पार्टियों को चंदे के लिए 22,217 चुनाव बॉन्ड जारी किए गए हैं। बनाए गए बॉन्ड को प्रत्येक चरण के आखिरी में अधिकृत शाखाओं द्वारा सीलबंद लिफाफे में मुंबई मुख्य शाखा में जमा किए गए थे। एसबीआई ने कहा कि दोनों सूचना साइलों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए 44,434 सेट को डिकोड करना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 3 हफ्ते का समय पूरी प्रोसेस के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए जून तक का समय दिया जाना चाहिए।